जोगिंदरनगर उपमंडल में पिछले 20 साल से बंद पड़ी गडूही भौरा कस सड़क को खुलवाने के लिए जिला परिषद सदस्य कुशल भारद्वाज के नेतृत्व में गांव के लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव किया तथा कार्यालय के अंदर जाकर धरना दिया। जिला परिषद सदस्य ने गत दिनों भारी बारिश व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था तथा लोगों के साथ बैठकें कर तय किया था कि यदि 10 सितंबर तक सड़क नहीं खोली गई तो वे अधिकारियों के कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके बाद 11 सितंबर को फिर से इन गांव के किसानों की जनरल बड़ी बैठकें आयोजित कर 14 सितंबर को प्रदर्शन करने और अधिकारियों से मिलने का तय किया था। जैसे ही लोग कार्यालय पहुंचने शुरू हुए तो कुशल भारद्वाज के वहाँ पहुँचने से पहले ही अधिकारी कार्यालय से निकल गए तथा पता चला कि वे कहीं साइट पर जा रहे हैं। इस पर जिला परिषद सदस्य ने ऐलान किया कि यदि जल्दी ही अधिकारी वापस कार्यालय नहीं आए तो जो धरना बाहर चला है वह अंदर शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद प्रशासनिक कार्यालय के अंदर जाकर धरने पर बैठ गए। इसका पता चलते ही लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी बंद सड़क का मुआयना करने पहुँच गए तथा मुआयना करने के बाद कहीं और जाने के बजाय वापस कार्यालय में पहुंच गए तथा कुशल भारद्वाज व अन्य को बातचीत का न्योता दे दिया। कुशल भारद्वाज ने कहा कि पंचायत को जोड़ने के लिए एक सड़क प्रस्तावित थी जो 24 साल पहले, जिसका नाम गडूही भौरा का सड़क था और मकसद ये था कि कस होते हुए जो गडूही को बस जाए, जिससे लोगों को सुविधा मिले, भौरा गडूही के सारे लोगों को, और उसमें और भी कई गाँव हैं, आगे चटुनाड़ है, खरनू है, उसके साथ साथ ददियाड़ा है, फिर यहाँ पे कोठी है और कस है, भौरा है, ग्योड़ा है, इन सबको ये सुविधा मिलनी थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 24 साल से सड़क का काम लटका है। हालांकि सड़क पूरी हो गई थी पहले, बीच में स्लाइड हुआ हल्का सा, गाड़ियाँ चलती थी सड़क पर, स्लाइड और उसके बाद वो तो सड़क जो है बंद है। और पिछले 22-24 सालों से वो सड़क, यानी कि पिछले 22-24 सालों से सड़क बंद है, 20 साल तो उसको पूरी तरह से बंद हुए हो गए, लोगों ने बार बार गुहार लगाई, सड़क खुली नहीं। 5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव थे तो हमारे जो वर्तमान विधायक साहब हैं वो भी उस इलाके के अंदर गए थे ढोल ढमाका लेकर के, जैसा वो जाते ही हैं चुनावों के दौरान, तो उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि मैं अगर विधायक बनूंगा तो मैं सड़क को खुलवाऊंगा। और उसके बाद 2-3 बार वो और इलाके में गए, पीछे भी गए, फिर बोले 6 सितंबर तक हम इसको खोल देंगे, अभी भी ये वायदा किया था, और ये सड़क अभी भी खुली नहीं है। और अभी कहना चाहते हैं कि उस इलाके में ज़्यादातर गरीब लोग हैं, दलित बस्ती है भौरा में, गडूही में, और उन लोगों ने ज़्यादातर दलित परिवारों ने ही अपनी ज़मीनें दी हैं, हालांकि औरों ने भी दी हैं लेकिन उनकी जड़ होता है। तो हमारी ये भी मांग है कि इन दोनों सड़कों को जो पक्का भी किया जाए और साथ ही साथ जो है गडूही भौरा का सड़क को जल्दी खोला जाए। और अगर सड़क नहीं खुलती है तो अभी तो हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, अभी हम अधिकारियों का इंतजार करेंगे, उनका रुख क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं तो फिर हम यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। और हमें भी कहना चाहते हैं कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और प्रदेश सरकार और जो निकम्मा प्रशासन, निकम्मा विधायक हमारी बात को जो है वो हल्के में ना लें। हमने इसी दफ्तर के बाहर जो है 64 दिन भूख हड़ताल लड़ी है, तब जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के मजदूरों की ब्रेकें तोड़वाई हैं, उसके बाद इसी कार्यालय के बाहर हमने जो है 100 दिन की भूख हड़ताल लड़ी है, तब तो ये बाहर जो है टाइलें भी बिछी थी, यहाँ पर जो है कीचड़ होता था उसके ऊपर हम बैठते थे टाट बिछा करके, और रात दिन वो धरना चलता था, भूख हड़ताल चलती थी, तब वो सारे मजदूर पक्के हुए हैं। और ये तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर की जो है, सॉरी 150 मीटर की सड़क बची हुई है, इसको लिए जो है 1.5 दिन भी लगेगा, और ढंग से अगर काम करें तो 1 दिन भी ये हो जाएगा तो मात्र कोई 9-10 घंटे का काम, बिल्कुल 9-10 घंटे का काम है। लेकिन उसके लिए भी जो है ये टाल मटोल हो रहा है, और हमारे बीच में BDC मेंबर भी रही है, पुराने पहले वार्ड मेंबर भी रही हैं, ये है ना कमला देवी, वो भी आई हैं हमारे बीच में, राम सिंह जी हैं हमारे बीच में, लोभी राम जी हैं जो सोसाइटी के बहुत अध्यक्ष भी रहे हैं लंबे समय तक, कुछ जो युवक मंडल के लोग भी हमारे साथ हैं, बहुत सारे यहाँ पर साथी आए, और कुछ महिलाएं आना चाहती थी बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन वो निरेगा काम शुरू हुआ तो हमने खुद होती नहीं है। जो उपजाऊ जमीन थी जहाँ पर केले के जो है वो पौधे थे, अमरूद के पौधे थे, फलदार पौधे थे, वो भी नष्ट हो गए। और उसके साथ साथ जो है 20 साल से 22 साल से कोई फसल नहीं आ रही है, क्योंकि जमीन सरकार को दे दी, लोक निर्माण विभाग को दे दी मुफ्त में, इस उम्मीद में कि यहाँ पर सड़क बनेगी और यहाँ पे जो है बस ये चलेगी, हमारे को सुविधा मिलेगी।
और हमें भी कहना चाहते हैं जो लोगों को मुश्किल आ रही है कि ब्राडू से अगर गाड़ी करनी है सामान के लिए या अपने आप घोड़ा पहुँचने के लिए तो 400 रुपये लगता है, जबकि जोगिंदर से अगर बस चलती है बायाकस तो मात्र 25 रुपया किराया लगेगा। और इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं जायज मांग है लोगों की। 3-4 लोग ऐसे हैं वहाँ पर जो चल फिर नहीं सकते हैं और उनको लाने ले जाने में बड़ी मुश्किल होती है। आज हम मजबूर होकर के यहाँ पर आए हैं और हालांकि हमने पहले ऐलान किया था कि हम PWD के कार्यालय जाएंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे आने से 10 मिनट पहले अधिकारियों से निकल गए, जबकि उनको मालूम था कि यहाँ पर जो है दोनों गाँव के लोग आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, और हमने भी बोला था कि हम धरना भी देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारे आने से 10 मिनट पहले वो यहाँ से निकल गए। बाहर ये धरना चल रहा था, पर जब हमने देखा कि विभागीय अधिकारी आज चले गए, हमने वेट किया बाहर भी, नहीं कोई आया, कोई बात नहीं हमारे पास से अभी तक नहीं आया लोगों के पास, और तब हमने तय किया था कि अगर कोई नहीं आएगा तो हम इस धरने को जो है अंदर वैक्सीन के कार्यालय पे शुरू करेंगे। और ये धरना भी यहाँ पर चल रहा है। हमारी मांग ये है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर इस सड़क को खोला जाए, और मात्र 150 मीटर की दूरी है कुल ही, यानी कि JCB टेंडर लगाने की जरूरत है। अगर PWD खुद भी इस काम को कराएगी तो एक दिन नहीं तो 1.5 दिन में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा और रोड थ्रू हो जाएगा। पहले इसमें बीच में कहा गया कि हाईकोर्ट से स्टे लगा है, वो स्टे भी हट गया है, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल चुकी है। जब सब कुछ मिल चुका है तो लोक निर्माण विभाग क्यों इस बात को टाल रहे हैं, विधायक साहब क्यों बार बार झूठ बोल रहे हैं, क्या गड़ुई भौरा और इलाके की जनता की उनको चिंता नहीं है? और इसकी अगर किसी को चिंता नहीं है तो किसानों को अपनी चिंता खुद है। 22 साल में कितनी फसल जो है, 24 साल में कितनी फसल उस जमीन में आनी थी, उसका मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, हम भी मांग करते हैं। और जो फल दाग पौधे जो नष्ट हुए उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि सुविधा उनको मिली नहीं अभी तक। और उसके साथ साथ हमारी मांग ये है कि ना केवल उस सड़क को खोला जाए, बल्कि जो गड़ुई भौरा सड़क बनी भी है और उसके साथ साथ हार से भौरा जो सड़क बनी है, वो दोनों ही सड़कें हल्की सी बारिश में चल। आपका फैसला के लिए जोगिंदरनगर से कैलाश की रिपोर्ट।